So students, welcome again to KR Dukon, and today's sixth class with Vinu Kalia, and it's biology class, right? And I had asked you that some students have taken only milk or only tea or something like that. But what is important in the morning? Everybody straight, seedhe baitho, copyan nahi likhni, kuch nahi likhna, band karo abhi. ठीक है, बुक्स बिल्कुल बंद. हमने बुक्स हमें चाहिए नहीं. टेबल पे बॉटल नीचे रखो, बॉटल नीचे रखो बेटा अपनी. हाँ, साइड में रख लो, नीचे रख लो, है ना. टेबल पे हमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं, टेबल पे ओनली कॉपी एंड पेन. ठीक है, ये चीज होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए क्योंकि कुछ तो लिखोगे. ठीक, एंड सिट स्ट्रेट विद योर बैक स्ट्रेट. ठीक है, ढीले होके नहीं बैठना. सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम ढीले होके बैठ जाओगे तो कैसे काम चलेगा. एंड बी एक्टिव, राइट. प्रिपेयर योर सेल्फ टू लर्न फॉर द होल डे. ठीक है जी, चलिए अब हम बात ये कर रहे हैं कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, हम कहते हैं सम्प्टुअस ब्रेकफास्ट. सम्प्टुअस ब्रेकफास्ट मीन्स पूरा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए. क्यों मॉर्निंग में क्यों? क्योंकि बेटा मॉर्निंग में आप, एक तो बहुत ज्यादा आपकी फास्टिंग हो जाती है, 9-10 आवर्स की सारी रात की फास्टिंग है. ठीक है, और सुबह जब आप उठते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी जो बॉडी के अंदर, इधर सिक्स थे, इधर बेटा मैम को देखना छोड़ो, सीधे होके बैठो, इधर स्क्रीन पे ध्यान बिल्कुल, कि आपकी बॉडी में मैक्सिमम जो है वो क्या है, एनर्जी है. उसको मैक्सिमम, उसका मेटाबॉलिज्म, जितनी एक्टिविटीज जो है ना, हमारे सेल्स एक्टिव है. वो कहते हैं हमें एनर्जी दो हम काम करेंगे, हमें खाना दो हम काम करेंगे. ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा क्या कहते हैं, ईट ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग. इसका मतलब ये नहीं कि 36 पकवान होने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं. हमेशा एक हेल्दी और पेट भर के नाश्ता होना चाहिए. ऐसे नहीं, हम भी बेटा, मैं भी ऐसे करती थी कि सुबह सुबह मेरी मम्मी ने कहा ना रोटी खा के जाओ कुछ कर, मैंने कहा ना नहीं नहीं बस मुझे दूध दो, और बस वो फटाफट से अंदर किया और हम भाग जाते थे. क्यों? क्योंकि हमें सोने का बड़ा शौक सभी बच्चों को होता है ना, कि हाय आधा घंटा सो ले, 15 मिनट सो ले, लास्ट में टाइम नहीं बचता था, दूध पिया और भागे. बट उससे क्या होता है, वीकनेस. जब आप भागते हो सुबह क्लास के बाद, आपकी रनिंग की क्लास हो, कुछ आपके फिजिकल एजुकेशन की, गेम्स का पीरियड हो, तो लिथार्जिक, चलो यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, धूप बड़ी है, इधर नहीं जाना. वो नहीं बेटा, एक्टिव. हमें कोई चीज जो है हमें रोक नहीं सकती भागने दौड़ने से, हमें एनर्जेटिक होने से. उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक हेल्दी सम्प्टुअस भर पेट नाश्ता करके आना है. डू यू गेट मी? जिसमें आपने एक गिलास मिल्क लेना है, जिससे हमें प्रोटीन्स मिलेंगे, कैल्शियम मिलेंगे. एंड वी इंडियंस लव टू ईट परांठास, राइट. एंड परांठास गिव अस सम अमाउंट ऑफ फैट्स ऑल्सो, राइट, शुगर्स ऑल्सो. आलू के परौंठे हम मैक्सिमम पसंद करते हैं, है ना, पंजाबीज है, आलू तो हमारी फेवरेट चीज है कि नहीं, यस और नो? और कहीं भी जाए हमें आलू के परौंठे मिल जाए तो बस, इससे ज्यादा तो हमें कोई चाहिए ही नहीं है, यस और नो? ठीक है ना, तो इसलिए आलू से हमें स्टार्च मिल गया, फ्राई हमने थोड़े से मक्खन डाल के खाया तो हमें फैट्स मिल गए जितने हमें चाहिए थे, और हमने साथ में 1 कप ऑफ मिल्क और कर्ड ले ली, इससे हमें प्रोटीन्स मिल गए. कर्ड से हमें प्रोटीन, विटामिन्स, कैल्शियम सब कुछ मिलता है, राइट. तो कल से जो बच्चे खाली दूध पी के आते हैं, नहीं, क्योंकि इसीलिए हमारा ब्रेन भी नहीं चलता. ठीक है, हम कहते हैं खाने के बाद नींद आ जाती है, बट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज असेंशियल, इज इट ओके? ठीक है जी, चलिए. नाउ वन स्टूडेंट सिक्स थे, कबीर सिंह, कम फॉरवर्ड. कबीर सिंह इज देयर? सिक्स थे, कबीर नहीं है. अश्मित, अश्मित इज देयर? नहीं, अश्मित भी नहीं है. सतपाल, सिक्स ए, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी. नहीं 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 ये मैंने गड़बड़ ली है, ये दूसरे वाले स्टूडेंट है. चलिए छोड़िए, चलिए जी अब आ जाइए रोल नंबर 3. सिक्स थे, रोल नंबर 3.
रोल नंबर 4। जल्दी से आ जाइए बेटा, जल्दी से माइक के पास जल्दी से आइए। मुझे ये बताइए कि कौन से 5 न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स मींस विच आर यूज्ड इन अवर बॉडी। जल्दी से माइक उठाओ, 5 न्यूट्रिएंट्स के नाम बताओ। वेरी गुड, कितने सारे हाथ खड़े हैं। हाँ फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वन इज प्रोटीन्स, दूसरा मिनरल्स, मिनरल्स, फैट, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। विटामिन। वेरी गुड वेरी गुड, अपना नाम भी बताकर जाओ बेटा। अनिता। वेरी गुड वेरी गुड, बेटा बैठो। नेक्स्ट रोल नंबर 15, 6th B, कम फॉरवर्ड। जल्दी से भाग कर आओ माइक के पास, माइक उठाकर बात करनी है बेटा। हाउ कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने आपको बताया कि या टीचर ने बताया कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स। हाउ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी, डू यू नो दैट। उठा लो माइक अपने उठा के मुंह के पास लेके जाओ। यस Yes, ma'am. हाँ, देन टेल मी हाउ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी। And carbohydrates शुगर एंड स्टार्च, दैट इज राइट, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, बट ये हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं। चलिए अच्छा ये छोड़ो, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। टेल मी अवर बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, ब्रिक्स, व्हाट आर दैट कॉल्ड एज। सेल्स सुने हैं आपने, है Yes, ना। तो चलो बैठो बेटा बैठो, कोई बात नहीं, ये आपको नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ ठीक है। तो हमारी बॉडी बेटा छोटे छोटे यूनिट्स की, छोटे छोटे ब्रिक्स की बनी हुई है, दैट इज सेल। एंड इन सेल मेनी एक्शंस आर गोइंग ऑन। हमारे घर में जैसे बहुत सारे कमरे होते हैं, उसमें लोग डिफरेंट डिफरेंट रह रहे हैं, तो हर कोई अपना अपना एक्टिविटी कर रहा है, राइट। इसी तरह हर सेल में देयर इज सम सिंथेसिस, समथिंग इज फॉर्म्ड, समथिंग इज ब्रोकन, राइट। सो मेनी एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन ईच सेल, एंड द कार्बोहाइड्रेट्स, रिमेंबर दैट द कार्बोहाइड्रेट्स एंटर इन ए सेल, गेट्स बर्न्ड। जब बेटा हम कोई चीज जलाते हैं तो हीट निकलती है कि नहीं निकलती, यस और नो, जोर से बोलो। यस है ना। इसी तरह से जब कार्बोहाइड्रेट्स सेल के अंदर एंटर करते हैं तो वो जल जाते हैं एंड प्रोड्यूस एनर्जी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट दिस एनर्जी इज नॉट हीट, बट इट प्रोड्यूस एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय सेल्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज, ठीक है। तो हाउ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी, दे एंटर इन द सेल्स, दे गेट्स बर्न एंड लिबरेट एनर्जी, इज इट ओके। इसको आगे चल के 7th क्लास में आप पढ़ेंगे कि इसको हम क्या बोल देते हैं, सेल रेस्पिरेशन, ठीक है। हर सेल में एक रेस्पिरेशन होती है जिसमें जो हम स्टार्चेस ग्लूकोज खाते हैं वो वहां पे जाके बर्न हो जाता है, जल जाता है, और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इज इट ओके, ठीक है जी। तो हमने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स कौन से हैं। स्टार्च है, ग्लूकोज है, आपकी बुक में मेनली स्टार्च दिया है, बट इन एडिशन टू दैट देयर इज ग्लूकोज। स्टार्च एंड ग्लूकोज रिलेटेड है ठीक है, बट हम ये बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ आपको पता होना चाहिए। और स्टार्च जो है वो हमें मिलेगा कहाँ पे, वो हमें बेटा एनिमल फूड्स में, अगर हम लिवर ले लें किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी के मसल्स खा लें, उसमें हमें स्टार्चेस नहीं मिलते। स्टार्चेस का अगर आपने टेस्ट लैब्स में किया हो तो आलू पे किया होगा, राइस पे किया होगा, यस और नो, ठीक है। तो हमें स्टार्चेस कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स में से मिलते हैं। व्हाई फ्रॉम प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स में वो रिजर्व फूड है,
प्लांट्स अपना खाना जोड़ के रखता है, किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। प्लांट्स हैव टू नोट डाउन कि दिस लेक्चर इज कंप्लीटली रिकॉर्डेड, ये पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर है, और आपको बेटा ये यहां पर ये नोट कर लो, ये यूट्यूब पे चैनल है बेटा हमारा, की एडुकॉन ई लर्निंग, नोट कर लो ये सारे, है ना। तो अब ये जैसे ये टेबल लिखा हुआ है, तो ये आपने यूट्यूब पे ये चैनल खोलना है और अपनी क्लास देखनी है, वहां पे बहुत सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी, बट आपने अपनी क्लास देखनी है, मतलब सिक्स क्लास MR इंटरनेशनल, राइट। तो वो आपने देखनी है और उसमें अपना लेक्चर सुनना है और ये चीजें नोट कर लेनी है। इट विल टेक हार्डली 15 मिनट्स, ठीक है। तो कौन सा? इट इज के एडुकॉन ई लर्निंग। ओके और मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने देखा है, ठीक है। तो इसलिए सबने देखना, इट इज इन योर बेनिफिट, राइट। एवरीबडी नोट डाउन, ठीक है। तो ये बेटा जाके देखना है ताकि आपको ये समझ में आए, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं ऐसे नई नई बताती रहती हूँ आपको, एंड यू विल इम्बाइब दीज थिंग्स, धीरे धीरे ये चीजें आप एब्जॉर्ब कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके माइंड में स्टोर हो गई, राइट। सो स्टार्च हमने क्या कहा? इट इज द रिजर्व फूड, प्लांट्स में वो जमा होता है, और जब हम वो प्लांट्स का फूड खाते हैं तो उसमें से स्टार्चेस हमें मिल जाते हैं, राइट। हर प्लांट स्टार्च तो सभी प्लांट्स में है, बट किसी की सीड्स में है, किसी के फ्रूट्स में है, किसी के स्टेम में है, किसी की लीव्स में है, राइट। सो एंड यू नो हाउ टू टेस्ट द स्टार्च, किया था आपने आयोडीन टेस्ट किया है लैब्स में, यस और नो? किस किस ने किया, रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सिक्स ए में नहीं हुआ, मैम को कहेंगे वो करवा देंगे, कि अगर हम स्टार्च का सोल्यूशन ले, कोई सा भी पोटैटो का सोल्यूशन ले, उस पे आयोडीन डाले, तो हमें ब्लू वायलेट कलर नजर आएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्टार्च इज प्रेजेंट इन द पोटैटो, राइट। तो स्टार्च गिव्स ब्लू वायलेट कलर विद आयोडीन, राइस, पोटैटो, साबुदाना, है ना, एटसेट्रा, रिच सोर्स ऑफ स्टार्चेस एंड दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स। हमने क्या बताया, इधर देखो बेटा, कि एनर्जी गिविंग कैसे है, कि दे एंटर इन द सेल, गेट्स बर्न, राइट, एंड लिबरेट्स एनर्जी, राइट। और वही एनर्जी हम, मैं बोलने में एनर्जी लगा रही हूं, तो कहाँ से आ रही है? ये कार्बोहाइड्रेट से आ रही है। हम चल रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ब्रेन को एनर्जी चाहिए, कहाँ से चाहिए? शुगर से आई है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन्स। आजकल आप क्या देखते हैं, मैक्सिमम जो जिम में जाते हैं लोग, तो उनको जिम इंस्ट्रक्टर्स क्या कहते हैं, प्रोटीन्स खाओ, एग्स खाओ, पल्सेस खाओ, ठीक है। तो प्रोटीन्स खाओ ज्यादा से ज्यादा, वाई? क्योंकि उनको, वो बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनको मसल्स बनाने हैं, अपने मसल्स ज्यादा से ज्यादा डेवलप करवाने हैं, ठीक है। और मसल्स के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए। तो जैसे हमने कहा है कि हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ, लास्ट टाइम मैंने बताया था, हु विल टेल मी वेयर हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट? यस, जल्दी से, यस, देयर इज सिक्स ए, वन लास्ट रो, थर्ड बेंच। आजा आजा बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से माइक उठा के फटाफट, हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट है? माइक को मुंह के पास लेके जाओ। मैन ब्लड में, ब्लड में कौन से सेल्स में है हीमोग्लोबिन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की प्लेटलेट्स? आरबीसी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बैठो बेटा बैठो, वेरी गुड, बका। सो हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स, मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, राइट, हेयर एंड स्किन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, राइट। सो प्रोटीन्स आर, क्योंकि बहुत सारे, ये तो मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बताया है, हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स सिर्फ प्रोटीन से ही बने हुए हैं, तो इसलिए अगर हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन्स बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, दैट इज ए सेपरेट इशू, बट प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है। तो
एंड इनको टेस्ट करना हो तो कौन सा सॉल्यूशन हमें चाहिए? बायूरेट सॉल्यूशन। बायूरेट सॉल्यूशन किससे बनता है? कास्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट से। इज इट ओके? ठीक है। एंड प्रोटीन्स किससे मिलते हैं? मिल्क से मिल रहे हैं। पल्सेस मतलब दालें, देन मीट, एग वाइट, इनसे प्रोटीन्स मिल रहे हैं। उसके बाद है फैट्स। मम्मी कहती है फैट्स नहीं खाने, घी नहीं खाना, ज्यादा मोटे हो जाओगे। वैसे तो हमारे इंडिया में तो मम्मियां ऐसी नहीं है, वो कहते हैं घी खाओ ताकत आएगी, ठीक है, बट जनरली फिर हम थोड़े ग्रो हो जाते हैं, थोड़े से बल्की हो जाते हैं, फिर मम्मियां कहती है नहीं घी ना खाओ, बिल्कुल रूखी रोटी खाओ, मोटे हो जाओगे, मोटे हो जाओगे। नहीं बेटा, बैलेंस्ड डाइट। हम मोटे घी से नहीं हो रहे हैं, मोटे हम चिप्स खाने से हो रहे हैं, मोटे हम बर्गर्स खाने से हो रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रोसेस्ड चीजें हैं, राइट? फैट्स आर असेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ अवर बैलेंस्ड डाइट, क्योंकि हमारी स्किन में जो ऑयल है, जिसको जो ड्राई नहीं करता, वो कौन करता है? फैट्स करता है। हमारे न्यूरॉन्स, ब्रेन, इसके लिए फैट्स बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारी बॉडी में आगे चल के, है ना, आप रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसकी वजह से डेवलप होता है? फैट्स की वजह। जब बहुत ज्यादा फैटी हो जाए तब भी रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, फैट्स बिल्कुल ना हो तब भी रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम है। सो फैट्स आर असेंशियल, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर बैड, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड, लाइकवाइज एक्सेस ऑफ फैट्स आर ऑल्सो बैड, ठीक है। बट एक्सेस ऑफ फैट्स आर बैड, बट यू नो ऑप्टिमम क्वांटिटी आर वेरी असेंशियल, ठीक है। तो फैट्स, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, देसी घी, ऑल दीज आर सोर्सेज ऑफ फैट्स, ठीक है जी। दीज आर एनर्जी गिविंग फूड्स, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट सेल में जाकर जलते हैं तो इसी तरह से फैट्स भी सेल्स में जाके जलकर वो क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। एंड सेकेंड थिंग, फैट्स क्या करते हैं बेटा? फैट्स जो है, हमारी स्किन के नीचे एक लेयर है फैट्स, वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं आने देते। इंसुलेटर, जैसे वायर्स के ऊपर एक प्लास्टिक की या रबड़ की लेयर होती है, दैट इज इंसुलेटर, करंट नहीं बाहर आने देता। इस तरह से जो फैट्स है वो भी हीट को बाहर नहीं आने दे। तो पोलर बियर बनकर, जो पोलर बियर है, क्योंकि वो ठंड में रहता है, तो उसमें बहुत थिक फैट की लेयर है ताकि उसकी बॉडी की हीट बाहर ना आए। डू यू गेट मी? यस। नाउ टेल मी सिक्स्थ बी, कि कौन से एनिमल्स में थिक फैट होगा? डेजर्ट के एनिमल्स में, कि जो पोलर, जो आइस में रह रहे हैं, उनमें थिक फैट होगा? यस। जो आगे बैठा है बच्चा, जिसके पास माइक है, वो स्टूडेंट आंसर करे। हाँ जी, हाँ जी, माइक उठा लो अपने हाथ में और हाँ बोलो, मुंह के पास लेके जाओ। पोलर मैम मैम इन पोलैंड बियर कहाँ रहता है? डेजर्ट में रहता है कि ठंड में रहता है? कहाँ रहता है? में ठंड में रहता है, बिल्कुल ठीक। तो एनर्जी कंजर्वेशन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बैठो। तो एनर्जी, हीट की कंजर्वेशन, हीट को बचाना किसकी जरूरत है? जो जानवर ठंड में रहते हैं, द एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड, इन पोलर एरियाज, दे हैव थिक लेयर ऑफ फैट, सो दैट देयर हीट डज नॉट गो आउट। इज इट ओके? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, राइट? सो रफेज एंड विटामिन्स, मिनरल्स वी विल डू नेक्स्ट टाइम, बट नाउ वन मैम, कल्पना मैम विल कम। एवरीबडी हैज द असाइनमेंट बेटा? असाइनमेंट है सबके पास? निकालो असाइनमेंट, निकालो, ठीक है। एक तो आपने अब 10 मिनट में असाइनमेंट करनी है, मैम आपसे असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, एंड देन शी विल प्ले अ गेम विद यू, राइट? ठीक है, जल्दी से जिसके पास, मैम जरा चेक कीजिए सबके बेंचेस पे एटलीस्ट एक एक असाइनमेंट होनी चाहिए, अगर किसी के पास नहीं है तो वो अपने नेबर के साथ मिलके असाइनमेंट कर ले।
आई होप एवरीबडी हैज। ठीक है, फाइल्स लगाई है बच्चों सबने? नहीं, अभी फाइल्स नहीं लगाई बेटा, मुझे दिख नहीं रहा, तो फाइल्स लेके आनी है नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, चलिए ये कीजिए। आई विल गिव यू 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के बाद मैम डिस्कस करती हैं एंड देन शी विल प्ले अ गेम विद यू। ठीक है, और सबने माइक के पास आके काम करना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेल लव टू हियर यू ऑल। Highly energetic, right? So had proteins in the morning or fats or carbs, carbohydrates? What did you have in the morning? Proteins, carbohydrates, fats, which are energy giving food? Quickly, my dear ones. Yeah, so many hands are raised, but then I just want one of you who is sitting on second bench and wore a turban, raised his hand, please come up. It's 6th A, my dear, 6th A. Yeah, just come up, bacha. What did you have? Quickly, I'm waiting for you. Yes. Your voice is not audible, my dear. Just speak loud. Angelica. What did you have? Mouse. Carbs, carbohydrates, right? And did you have fats too? Or only carbohydrates? Carbohydrates. Okay, which is better, to consume carbohydrates or fats? Which is better? Better source of energy? Yes, carbohydrates. Very good. Loved it, my dear. Loved it. Just take your time. Get back to your seat. Take your time and then work out the worksheet given to you. Work out the worksheet given to you. And the one who does it, clap. Just work it out, my dear. 6th B is very much busy in working out. See, wherever you are facing any sort of problem, you may raise your hand, come up, and then discuss. Those who do not have better will be, bacha, you take your notebook and then solve it over there instead of glimpsing anybody's worksheet. Better will be, you start writing your own answers in the notebook.
At least you will come to know that where you stand really. Yeah, thank you so much, mom, for helping. Good. बेटा जिनके पास भी वर्कशीट्स नहीं है प्लीज अपनी नोटबुक्स में आंसर्स लिखिए बाय सीइंग द क्वेश्चन फ्रॉम योर नेबरहुड। अपनी जो फ्रेंड्स बैठे हैं उनके वर्कशीट्स को देखिए और आंसर अपना खुद का लिखिए। बेटा जी जो बैठे हैं माइक के साथ प्लीज अपनी वॉल्यूम को थोड़ा सा कंट्रोल करो बच्चा। ओके फर्स्ट बेंच पे जो बैठे हैं मुझे लग रहा है कि भी उन्होंने कर लिया है ना। कितनों ने कर लिया फटाफट वाला हाथ खड़े करो। फर्स्ट क्वेश्चन किस किस का हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन किस किस का हो गया जल्दी वाला? डिड यू वर्कआउट फर्स्ट वन? पहला क्वेश्चन कर लिया बेटा जी आप लोगों ने? बच्चे हाथ खड़े करो अगर फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया आपने। शुड आई स्पीक द क्वेश्चन? या आई एम जस्ट फाइंडिंग वन गर्ल फ्रॉम सिक्स्थ बी फ्रॉम सिक्स्थ ए इफ देयर इज एनीवन। सी इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड नथिंग टू वरी अबाउट। अगर नहीं समझ में आ रहा है या कुछ नहीं किया है कोई बात नहीं, मैं इसीलिए हूं टू हेल्प यू आउट। बट बोलो कहीं पर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जस्ट कम अप विद योर प्रॉब्लम आई विल हेल्प यू आउट। आपने ये सारे टेस्ट कर रखे हैं लैब में बच्चे, ये बायोरेट टेस्ट देन आयोडीन टेस्ट इमल्शन कर रखा है लैब में हाँ या ना? वेदर यू हैव डन परफॉर्म दीज टेस्ट इन द लेबोरेटरीज? अगर है तो एक फिंगर रेज करो, ना है तो दो फिंगर रेज करो क्विकली। ओके 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 गॉट इट गॉट इट गॉट इट। इट्स ओके कोई बात नहीं। तो हम ये अभी टेस्ट जो है इसके आंसर्स डिस्कस करते हैं ठीक है? आई कुड मेक आउट ऑन योर फेस राइट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ एंड जस्ट सी। फर्स्ट क्वेश्चन में जो पहला लिखा हुआ है वो क्या है? राइस। You all consume rice? Rice सबने खाया होगा। अब मुझे ये बताओ कि राइस को अगर हम पेस्ट बनाए तो कलर कैसा बनेगा राइस का? क्विकली वाला कलर, क्विक वाला रिस्पॉन्स, कलर कैसा होगा? जैसा अपने ब्लैक ब्लैक बोर्ड का है कि व्हाइट बोर्ड का कलर है? व्हाइट बोर्ड, वेरी गुड। सो राइट द कलर एज व्हाइट। ओके देन देयर इज आयोडीन टेस्ट राइट। वहां पे देखो कलर विद आई टू टेस्ट। आई टू इज मेंट फॉर आयोडीन। आई टू का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो मैम ने ये आई टू लिखा हुआ है ना। आई टू इज मेंट फॉर, आई होप द बोर्ड इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। आई टू इज मेंट फॉर आयोडीन। आई टू का क्या मतलब है? आयोडीन।
आयोडीन का सॉल्यूशन हमने क्या करना है, तुम्हारी टीचर्स करवाएंगे लैब में, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब देखा है आप सबने? वेरी गुड। तो टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करना होता है, एक बॉइल्ड राइस लेना होता है और बॉइल्ड राइस को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं। जैसे ही उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डिप करेंगे, जो कलर है इट विल चेंज टू ब्लू वायलेट, और कई बार तुम्हें क्या मिलता है, ब्लू ब्लैक कलर नजर आता है। कैसा कलर नजर आता है? ब्लू ब्लैक। एंड दिस ब्लू ब्लैक और ब्लू वायलेट शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, राइट। तो अब बताओ यहाँ पे क्या टिक करेंगे हम लोग, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, राइस में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या प्रेजेंट है? मैंने क्या कहा, राइस को टेस्ट ट्यूब में डाला, आयोडीन डालेंगे सॉल्यूशन, कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू वायलेट। और जैसे ही कलर ब्लू वायलेट हुआ तो हमने क्या करना है, लिख देना है कि स्टार्च इज प्रेजेंट इन दैट। तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, स्टार्च इज प्रेजेंट। कंक्लूजन में क्या लिखा हमने, हैव यू ऑल रिटन, हैव यू ऑल रिटन, जल्दी से एक एक वन फिंगर रेज कर दो अगर लिख लिया तो, क्विकली वाला। आई विल कम टू नो दैट योर पीपल हैव डन। ओके आई एम फाइंडिंग वन, ओनली वन स्टूडेंट, रेस्ट ऑल, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। ओके चलो सेकेंड आ जाते हैं, पल्सेस। दाल सबको ही खाते हैं, कौन से कलर की दाल होती है नॉर्मली? इतने आप माँ छोले की गल नहीं करते पाए, माँ छोले पता है, माँ दी दाल ना ब्लैक कलर की बनती है ना। सो वी नीड टू फोकस ऑन स्पेशल वाला, जो बाकी के दाल है माँ की दाल के अलावा। किस कलर की दाल बनती है घर में? येलो। तो कलर लिख लो वहां पे, ओरिजिनल कलर ऑफ सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, येलो लिख लिया, कलर विद आई टू। अब देखो जो पल्सेस है मैम ने यहाँ पे पल्सेस किसके अंदर डाला है, क्या प्रेजेंट है, क्विक पल्सेस में क्या प्रेजेंट है बेटा, सीन, वेरी गुड। सिक्स्थ ए, आपकी आवाज कम आ रही है बेटा, सिक्स्थ बी इज हाईली एनर्जेटिक, ब्रेकफास्ट ज्यादा किया है उन्होंने, है ना, तो प्रोटीन प्रेजेंट है। तो क्या वो आयोडीन के साथ कोई टेस्ट देगा, ब्लू ब्लैक कलर बनाएगा, हाँ या ना, क्या वो कलर बनाएगा आयोडीन के साथ? हमने क्या कहा, आयोडीन किसके लिए है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, लेकिन पल्सेस किसका एग्जाम्पल है, प्रोटीन्स का, तो क्या वो कोई कलर देगा ना, ठीक है, नहीं देगा। तो हम वहां पे जस्ट एक हाइफन सा लगा दो, डैश लगा दो कि कुछ नहीं होना, नो चेंज कर दिया। नाउ द नेक्स्ट इज बाय यूरेट, बाय यूरेट, बाय का मतलब होता है टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय टू। तो यहाँ पे दो केमिकल्स अपने पास है, वन इज कॉस्टिक सोडा, जिसको हम कह देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कह देते हैं, लिख लो इसका नाम बेटा, एंड द सेकेंड इज कॉपर सल्फेट, एंड द सेकेंड इज कॉपर सल्फेट। और जैसे ये दोनों केमिकल्स तुम्हारे लैब में ये दोनों अवेलेबल हैं, ये दोनों अगर ऐड करोगे जैसे ही पल्सेस के साथ, तुम्हारा जो कलर है वो कैसा आ जाएगा, ब्लू। तो फटाफट लिख लीजिए वहां पे, बायूरेट जैसे ही आपने डाला उसमें कलर कैसा लिख दोगे आप, क्विकली वाला, कौन सा कलर, जैसे टर्बन का कलर है या टाई का कलर है, व्हाट इज द कलर ऑफ योर टर्बन, ब्लू, वेरी गुड, व्हाट इज द कलर ऑफ योर टर्बन, ब्लू। तो कलर भी कैसा आ गया, ब्लू, बी बी से बायोरेट, बी से ब्लू, हो गया बेटा। एंड इमल्शन टेस्ट में अगेन क्या डाल दोगे, हाइफन, और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, व्हाट इज प्रेजेंट, व्हाट इज प्रेजेंट इन कंक्लूजन, प्रोटीन, वेरी गुड, वेरी गुड। तो लिख लो प्रोटीन, सिक्स्थ ए, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल माय डियर, सिक्स्थ ए, थोड़े एनर्जेटिक हो जाओ बेटा, चलिए आगे, चलिए आगे, आगे जाना है, पीछे नहीं जाना, चलो द नेक्स्ट इज
पटैटो, द नेक्स्ट इज आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, है ना? तो आलू किस में प्रेजेंट होता है? देखो आलू कहाँ एग्जांपल में गिवन है, व्हाट इज देयर? कार्बोहाइड्रेट्स, रिचेस्ट सोर्स ऑफ स्टार्च। ठीक है, अगर कहीं भी एनर्जी लो लगे ना तो बॉयल पोटैटो खा लिया करो, परफेक्ट है, राइट? तो अब मुझे ये बताओ कि फटाफट क्या लिखोगे, सेम राइस वाला लिखते चले जाओ, कलर कैसा हो जाएगा? व्हाइट लिख लो, क्रीमिश व्हाइट लिख लो, कोई भी कलर लिख सकते हो, एंड देन फर्दर चलते चले जाओ। जल्दी जल्दी मुझे, कौन बच्चा ऐसा करते हैं? ये द गर्ल सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच विद टू करेलास। यस यस यू हु डिड लाइक दिस, सिक्स थे, कौन है? जल्दी बेटा आ गया हो? हाँ, यू। नहीं, चलो दिस गर्ल बेटा, द बॉय सिटिंग विद बॉय। हाँ, ये सर्ड सर्ड के साथ जो बैठी हुई है, विद द बॉय विद टर्बन। हाँ जी, उठो बेटा, गेट अप, वेरी गुड, होल्ड द माइक, जल्दी बोलो मुझे, सारे के सारे कॉलम्स में क्या क्या लिखना है, जल्दी बताओ। पोटैटो वाले में ओरिजिनल कलर ऑफ सॉल्यूशन, परफेक्ट। कलर विद आयोडीन, ब्लू ब्लैक, वेरी गुड। देन बायोरेट टेस्ट में क्या लिखेंगे? यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर नेबर टू इफ शी इज विलिंग टू हेल्प यू आउट। हु स्टूड फर्स्ट, इफ शी वॉन्ट्स टू हेल्प यू आउट जस्ट आस्क हर। क्या लिखेंगे? जल्दी 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 जल्दी, अरे इतना टाइम नहीं है बेटा। हाँ वेरी गुड, बोलो बोलो। परफेक्ट। हम नो चेंज, जस्ट पुट अ हाइफन ओवर देयर, परफेक्ट परफेक्ट। देन इमल्शन टेस्ट में क्या आ जाएगा? एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम, टाइम इज फॉर द फर्स्ट पीरियड, सो टीचर आर वेटिंग फॉर यू, प्लीज स्टार्ट विद अस। ओके कम। ओके, सो आई एम जस्ट कंक्लूडिंग, डू वन थिंग माय डियर। गाइज जस्ट लुक एट मी, स्टैंड अप ऑल ऑफ यू क्विकली, होल्ड योर हैंड लाइक दिस एंड स्ट्रेच इट, वेरी क्विकली स्ट्रेच इट। देन कंप्लीटली बेटा, जस्ट लुक एट मी, स्ट्रेट, कंप्लीट स्ट्रेट, देन अगेन गेट बैक एंड पुट योर हैंड्स डाउन, sit down. This is something, whenever you feel that you know I'm lack of energy, what you need to do is you need to stand and then do it, fine? Or you may stand up. Today's game is you know, we didn't get the time for game and all, so it's okay. There were some technical glitches. We'll be doing it in our next class. Okay, I hope you will be you know, waiting for me energetically and have the breakfast consisting all these things and just have a you know, healthy lifestyle, right? So don't go for any of the which type of food, unbalanced food, the balanced meal you keep on having. So all the best to all of you. Good morning. Again, thank you and have a nice day. Bye. Bye. Love you all. Love you all. I'm not getting that love you again back. Bye. Chalo, bye, bacha. See ya soon.